हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 20 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल है ना, वो यहाँ पे आया है 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली ब्राज़ील की एक सिटी है जिसका नाम है साओ पॉलो। इस सिटी में क्लाइमेट चेंज को लेके 28वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? बेसिक कंट्री। बेसिक का मतलब है चार कंट्रीज हैं बेसिक की फुल फॉर्म में। बीए का मतलब है यहाँ पे ब्राज़ील, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। देखो, बेसिक कंट्रीज़ पहले आपको बताऊँ तो वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की अभी इमर्जिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। आप और अपने एरिया में इनका काफ़ी वर्चस्व भी है और इनकी ज्योग्राफी और इनकी इकोनॉमी भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका की बात करें तो ब्राज़ील वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाती है। साउथ अफ्रीका, सॉरी, मतलब साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है। और बात करें हम मतलब अफ्रीका की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको बताया कि साउथ अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ ही एशिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया और चाइना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो जाती हैं। तो यानी कि वर्ल्ड की जो टॉप लार्जेस्ट न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है ना, उनका ग्रुप है बेसिक कंट्रीज़ का। और इनके द्वारा अभी 28वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित की गई थी क्लाइमेट चेंज को लेके, कहाँ पे? ब्राज़ील के साओ पॉलो में। ये है कंटेक्स्ट। इस मीटिंग का फोकस रहा था एक तो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है इसको कम करना। इसी के साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है इससे निपटने के लिए देखो काफ़ी सारी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और भी हमें नई रिसर्च वगैरह की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और उस पैसे के लिए फंड है वो राइज किया जाएगा। मतलब इस मीटिंग के थ्रू फोकस किया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम किया जाए और फंड को राइज किया जाएगा ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका यूज किया जा सके। अब देखो, जो बेसिक कंट्रीज़ है ना, ये कोपनहेग अकॉर्ड है। आपको बता दूं कोपनहेग अकॉर्ड क्या है। कोपनहेग अकॉर्ड है ना, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ही है और ये वैसे निगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोपनहेग अकॉर्ड है वो लिगली बाइंडिंग नहीं है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और जो बेसिक कंट्रीज़ हैं वो इसी कोपनहेग अकॉर्ड का ही एक पार्ट है। मतलब कोपनहेग अकॉर्ड है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्री रटनी नहीं है आपको, लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मेरे को भी इतनी सारी याद नहीं है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, तो उसी में से एक है बेसिक कंट्रीज़ का ग्रुप। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कोपेनहेगन अकॉर्ड में अपना मतलब योगदान है वो दिया है। और इसी के साथ ही भी IPCC, देखो लास्ट ईयर अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसमें ये कहा गया था कि भाई जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है ना, और ये पेरिस क्लाइमेट चेंज में इस पर फोकस किया गया था कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 21वीं शताब्दी के एंड तक लगभग 2 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा और इसे हमें कम करना है, 2 डिग्री ना बढ़े, लगभग 1.5 डिग्री तक, ऐसे बात इसमें की गई थी। तो वो खैर हम आगे इन्वायरमेंट का अलग से जब टॉपिक आएगा तो वहाँ इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मीटिंग थी, जो कंटेक्स्ट था, वो हमने सारा कवर कर लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पार्कर सोलर प्रोब को लेके। देखो, पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये नासा का एक मिशन था, बड़ा मिशन जिसका नाम है लिविंग विद ए स्टार। इस मिशन का एक पार्ट है। और जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, इसका मोटो क्या है आपको बता दूं। पार्कर सोलर प्रोब का मोटो ये है कि जो सन की आउटर लेयर है ना, जिसको हम कहते हैं कोरोना, उसकी स्टडी करना। सन की जो आउटर कोर है वो एक्चुअली, जो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में काफ़ी सारे विंड एक्सलेशन आते हैं, मतलब कि काफ़ी जो गर्म तूफान आते हैं ना, वो एक्चुअली सन की जो आउटर कोर है कोरोना, इसकी वजह से ही आते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए, और ये जो आउटर कोरोना से जो विंड आती है, यानी जो तूफान उठते हैं ना, ये हमारे अर्थ के एटमोसफियर को इफेक्ट करते हैं और हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये अर्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब की स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब एक मिशन भेजा गया था यूएसए का, जो कि किसका पार्ट है? नासा का एक मिशन है लिविंग विद ए स्टार, इसी का एक अहम पार्ट है। मतलब लिविंग विद ए स्टार है ना, ये जो मेन मिशन है नासा का, इस पूरे का मोटो ये है कि ब्रह्मांड की स्टडी करना, ब्रह्मांड में कैसे कैसे जो स्पेस में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, किस तरीके से मतलब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उसके क्या क्या रिप्रोजेक्शन आ रहे हैं, किस तरीके और नए इफेक्ट होंगे, अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वगैरह वगैरह स्टडी की जाती है। तो उसी में एक है, वह है सोलर पार्कर प्रोब, जिसका काम क्या है? सन की आउटर कोर जो कोरोना है इसकी स्टडी की जाएगी और जो उसके वहाँ से तूफान उठते हैं, मतलब काफ़ी गर्म तूफान उठते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये नासा का लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम है, ये क्या करेगा? अर्थ और सन के बीच में जो भी काफ़ी सारे सिस्टम हैं, देखो अर्थ और सन के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी है और भी सारे ग्रह हैं, इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी स्टडी इसके द्वारा की जाएगी। मतलब कि अर्थ के रिलेटेड जो भी स्टडी हैं वो इस मिशन का मेन मोटो है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, वो आपको ये ध्यान रखना है
कि जो सोलर पार्कर प्रोब है ना, इसमें एक डिवाइस है जिसका नाम है WISPR। WISPR का मतलब है वाइल्ड फील्ड इमेजर सोलर प्रोब। यानी कि जो इमेज ली जाएगी सोलर प्रोब की, जो आपको पता है कि कोरोना की स्टडी की जाएगी, तो उसके लिए फोटो तो खींचने के लिए कैमरा चाहिए ना एक, वो इसके द्वारा की जाएगी, वाइट फील्ड, तो उसका नाम है। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि भैया नासा का जो सोलर प्रोब मिशन है ना, पार्कर सोलर प्रोब, इसी का एक पार्ट है ये। बस ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके। देखो आपको कुछ फैक्ट बता दूं, कंटेक्स्ट क्या है पहले, तो कंटेक्स्ट ये है कि भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा असेंबली है ना, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने वहाँ पे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसका निर्माण करेगी। नॉर्मली देखो हमारे संविधान में ये डिसाइड किया गया है कि हर स्टेट में एक विधानसभा तो होगी, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी होगी। और बात करें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिस तरीके से देखो सेंटर में दो होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, उसी तरीके से स्टेट में भी प्रावधान किया गया कि भाई दो कर सकते हैं। सेंटर में तो दो मैंडेटरी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तो आपको पता होगा, बट स्टेट के पास ये पावर दी गई है कि भाई अगर स्टेट चाहेंगे ना तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण भी कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास विधानसभा जो हम बात करें असेंबली यानी कि विधानसभा है, वो तो होगी ही होगी। अब देखो हमारे देश में एक तो यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ सकते कि कौन कौन से स्टेट में है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो है। देखो पहले तो थी 7 स्टेट में, बट अभी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को तो दो पार्टों में डिवाइड करके यूटी बना दिया गया है, तो वहाँ से तो हट जाएगी। तो कुल मिला के 6 स्टेट हैं, एक तो है आंध्र प्रदेश में है, एक है यहाँ पे बिहार, एक है कर्नाटका, एक है महाराष्ट्र, एक है यहाँ पे तेलंगाना और एक है यूपी। इनमें ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है। देखो जो सारे मेंबर होते हैं ना, उसके लिए पहली दो तीन कंडीशन वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान के आर्टिकल 169 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो सेकंड चैम्बर है स्टेट के अंदर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका निर्माण, विधानसभा परिषद है इसका निर्माण है वो किया जा सकता है और उसको ख़त्म भी किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। इसके लिए कंडीशन ये है कि भाई कम से कम तो 40 सीट होनी चाहिए इसमें, कम से कम 40 होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1/3 सीट किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। यानी कि विधानसभा में मान लो कि 300 सीट हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट ही हो सकती हैं। और अगर किसी स्टेट के अंदर टोटली मान लो कि जो हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 100 हैं, तो वहाँ पे देखा जाए तो 1/3 का मतलब कितना हो गया, 33 ही होनी चाहिए, 33.3 यानी 34 मान लो। ऐसा नहीं है, कम से कम 40 होनी चाहिए। ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कम से कम 40 मतलब मेंबर होने चाहिए, या फिर हम बात करें 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सन होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई ये इलेक्ट कहाँ से होंगे, ये सदस्य जनता तो देखो इनको डायरेक्टली इलेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं यानी कि जो एमएलए होते हैं, इनको तो हम डायरेक्टली इलेक्ट है वो करते हैं विधानसभा इलेक्शन में, ठीक है। अब इनको जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है ना, इनको इलेक्ट कौन करता है। देखो इनको इलेक्ट करने की जो प्रोसीजर होती है ना, वो ये होती है कि आपको बता दूं, जो 1/3 मेंबर होते हैं ना, वो तो बेसिकली इसमें स्टेट के जो एमएलए है ना, वो मतलब वोट देके डिसाइड करते हैं, जो हम एमएलए इलेक्ट करते हैं ना विधानसभा इलेक्शन में, वो मेंबर क्या करते हैं, 1/3 वो तो यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, और जो 1/3 और हैं उनको लोकल गवर्नमेंट, जो म्यूनसिपल पार्टीज होगी, नगर पालिका ऐसे हैं, यहाँ से इलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद में 1/12 जो मेंबर हैं वो जो टीचर्स होते हैं हायर एजुकेशन वगैरह के, इनको लिया जाता है। और 1/12 जो % और मेंबर हैं, इनको बेसिकली जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं उनको लिया जाता है, और बाकी जो बच गए ना कुछ थोड़े बहुत, उनको गवर्नमेंट जो सॉरी जो गवर्नर है ना मतलब कि राज्यपाल, वो नॉमिनेट करता है। तो ऐसे मिला के कुल 100% हो जाते हैं और वो इसके मेंबर बनते हैं। ये आपको बेसिक फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनको जो इलेक्ट मतलब अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना है, तो उसके लिए जो स्टेट की विधानसभा है ना, वो पहले स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी से ये विधान पारित करेगी, इसके बाद पार्लियामेंट इसको अनुमति देगी, तब जाके ये काम डन है वो होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की आती है कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, नहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक्चुअली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। यूपीएससी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो एक्चुअली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा सार बता दिया है कि जो जो इसमें मोटा सारा करक्स था वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ थी, वो थी कि जो फार्म लैंड होते हैं ना, इनकी कुर्की होती है उसको बैन कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। कुर्की क्या होती है, देखो जब भी कोई किसान लोन लेता है फसल वगैरह पे, जैसे कि अपनी फसल के लिए लोन ले रहा है ज़मीन के ऊपर, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ उनको सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखना पड़ता है। जो गिरवी रखा जाता है, नॉर्मली किसान के पास क्या होता है गिरवी रखने के लिए, किसान के पास सिर्फ अपनी ज़मीन होती है गिरवी रखने के लिए। तो कई बार क्या है कि किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रख के लोन ले लेते हैं, अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उनकी ज़मीन को कुरके नहीं, उसकी ज़मीन की नीलामी लगा के बेच देते हैं। अब आपको पता है कि भाई किसान की तो सारा रोजी रोटी सब कुछ ज़मीन ही थी, तो ऐसे में तो किसान बेघर हो जाएगा, क्या करेगा। तो इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि भाई जो फार्म लैंड है ना, ये एक्चुअली कुर्क ना हो। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि जो फार्म लैंड है ना, इनकी कुर्क वगैरह ना उसके। मैंने आपको बता दिया कुर्की क्या होता है, कि जो फार्म लैंड होते हैं किसानों के, इनकी जो अटैचमेंट होती है उसको कहा गया है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ वो आई है कि सऊदी अरबिया है, उसने एक अभी नया राइट डिसाइड किया है। देखो वैसे सऊदी अरब में काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि वहाँ पे वुमेन को राइट नहीं दिए जा रहे हैं, बट पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी लिबरल होती जा रही है और वुमेन्स को राइट प्रोवाइड कर रही है। तो अभी रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट एक नया डिसीजन ये लिया है कि वहाँ की जो वुमेन है ना, अगर वो कहीं भी जाती हैं, जैसे उनको पासपोर्ट बनवाना है, किसी दूसरी कंट्री में जा रही हैं, तो उनके किसी मेल गार्जियन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं थोड़ा पहले रूल क्या था, पहले ये रूल था सऊदी अरब में कि वहाँ कोई भी फीमेल है अगर वो वीज़ा मतलब पासपोर्ट बनवा रही है, वीज़ा ले रही है या फिर किसी दूसरी कंट्री में जा रही है, तो उसका कोई भी गार्जियन होना चाहिए, मेल गार्जियन, मतलब कि कोई भी पुरुष आदमी है वो उसका गार्जियन के तौर पे अनुमति देगा, तभी वो महिला वीज़ा पासपोर्ट वगैरह बना सकती है और बाहर जा सकती थी। बट अभी इसको एबोलिश कर दिया गया कि भाई साहब मेल गार्जियन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी खुद की मर्ज़ी है, वो बनवाए तो बनवाए, ऐसा नहीं कि वो अगर मेल गार्जियन परमिशन ना दे तो वो कहीं नहीं जा सकती। ये अभी नया लॉ वहाँ पर आया है। नेक्स्ट छोटी न्यूज़ आई है कि फ्रेश वाटर फिश, अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थन एरिया में इंडिया के 2 फिश फ्रेश वाटर फिश पाई गई हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो पाई गई है मिजोरम में, जो कालादान रिवर है वहाँ पे, और बात करें हम नॉर्थ इंडिया में, वो हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। ये नाम तो आपको नहीं रटना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर की 2 स्पेसीज पाई गई हैं फिश की। एक तो पाई गई है नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम की, जो कालादान रिवर है वहाँ पे, एक पाई गई है हिमाचल प्रदेश में, बस ये आपको ध्यान में रखना है। नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप पढ़ लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक छोटा सा अवार्ड है, वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अर्जुन अवार्ड है ना, वो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और इसकी कंडीशन ये होती है कि कोई भी खिलाड़ी जो लगातार 4 साल से अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन या काफ़ी अच्छी रख के रहे, मतलब 4 साल में उसका काफ़ी लगातार स्कोर अच्छा रहा है, उसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो 4 ईयर की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।